चलो नेक्स्ट टॉपिक आपने स्टार्ट करते हैं। टू प्रोवाइड स्पेशलिस्ट सपोर्ट टू कस्टमर फैसिलिटिंग परचेजिंग। जब हम कस्टमर की हेल्प करते हैं परचेज करने में, गिव कस्टमर्स इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस ऑन स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट, कि कोई अच्छा प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट कोई लॉन्च हुआ है तो आपको उसके स्पेशल फीचर पता है, उसकी कुछ स्पेशल क्वालिटी पता है, उसके बारे में बताना। सेकेंड वन, डिमॉन्स्ट्रेट स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट टू कस्टमर, और जो कोई नया प्रोडक्ट आया उसको कस्टमर को डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे तो वो और अच्छे से अट्रैक्ट होगा उस प्रोडक्ट के लिए, और आपका काम और भी इजी हो जाएगा। तो आते हैं सबसे पहले, गिव कस्टमर्स इन्फॉर्मेशन एंड एडवाइस ऑन स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट। फर्स्ट वन इज टॉक टू कस्टमर्स पोलाइटली, हमेशा कस्टमर से पोलाइटली बात करना है, एंड इन वे दैट प्रमोट सेल्स एंड गुडविल, जिससे वो आपके प्रोडक्ट की जो सेल है वो भी प्रमोट होगी और गुडविल भी अच्छी होगी, कि लाइक बोल जाएगा कि यहाँ के आरएसए कितने अच्छे हैं, बातों को समझ के हमें हेल्प करते हैं। यूज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कस्टमर टू फाइंड आउट वॉट दे आर लुकिंग फॉर, और हमेशा हर समय प्रयास करना कि जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो सही होनी चाहिए उसके लिए। हैव द कस्टमर अंडरस्टैंड द फीचर्स एंड बेनिफिट्स टू द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट से बेनिफिट्स बताना, उनका इंटरेस्ट जगाना उस प्रोडक्ट के लिए। एक्सप्लेन क्लियरली एंड एक्यूरेटली द फीचर्स बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिलेट दीज टू कस्टमर्स नीड, और कस्टमर के नीड्स को समझना। नेक्स्ट वन, प्रमोट द प्रोडक्ट्स दैट गिव द बेस्ट मैच बिटवीन द कस्टमर्स नीड्स एंड स्टोर्स नीड टू मेक सेल्स। और नॉर्मल सी बात है, कस्टमर जो खरीदने आया है और आपके स्टोर पे जो सामान है, दोनों ही सेम चीज है, तो उससे क्या होगा, आपके लिए बेनिफिट है और कस्टमर्स के लिए बेनिफिट है, उसे कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, आपकी नीड फुलफिल, कस्टमर की नीड भी फुलफिल हो जाएगी। स्पोर्ट एंड यूज सुटेबल अपॉर्चुनिटीज टू मेक टू प्रमोट अदर प्रोडक्ट्स विद विल मीट द कस्टमर्स नीड, और हर संभव प्रयास करना चाहिए जितना पॉसिबल हो सके कि कस्टमर के नीड्स को आप हमेशा क्लियर करके भेजें। कंट्रोल द टाइम, हमेशा टाइम जो एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करते हैं विद द कस्टमर टू मैच द वैल्यू ऑफ द प्रोस्पेक्टिव परचेज, कि उन्हें क्या खरीदना चाहिए क्या नहीं खरीदना चाहिए, उसको देखते हुए भी चीजों को ध्यान रखने के लिए, ठीक है, ये आपको हेल्प करना चाहिए। कॉन्स्टेंटली चेक द स्टोर फॉर सेफ्टी सिक्योरिटी, और ये आपको हमेशा देखें कि स्टोर पे सब कुछ सेफली और सिक्योर तरीके से चल रहा है, कोई ऐसा तो नहीं कि कोई प्रॉब्लम में आ रहा हो या किसी कस्टमर को आपकी हेल्प की आवश्यकता और आप वहाँ पे कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, तो ये आपको हमेशा चेक करते रहना चाहिए। अब आ जाते हैं वही प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, आपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था हाउ टू प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, एरिया वगैरह आपको जो बताया था मैंने। अब बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन स्पेशली प्रोडक्ट, अब कोई नया प्रोडक्ट आया कंपनी में आपके स्टोर में, तो काफी लोग होंगे आरएसएस कहेंगे नहीं मैम मैं करके दिखाऊं, मैं कहेंगे नई मशीन आती है ना घर में, हर कोई यूज करने की कोशिश करता है, तो वैसे ही डेमोन्स्ट्रेट करने के टाइम पे भी होता है। फाइंड आउट इफ द कस्टमर इज विलिंग टू सी अ डेमोन्स्ट्रेशन, और हाँ ये भी ध्यान रखना है कस्टमर की इच्छा है देखने की डेमोन्स्ट्रेशन तो ही दिखाया जाए, जबरदस्ती आपको नहीं दिखाना है, ठीक है। तो सेटअप, थर्ड वन इज, नेक्स्ट वन इज सेटअप डेमोन्स्ट्रेशन सेफली एंड इन अ वे दैट डिस्टर्ब्स अदर पीपल एज लिटिल एज पॉसिबल, और हर समय देखना चाहिए आसपास के लोग कम से कम उस डेमोन्स्ट्रेशन से डिस्टर्ब, पता चले आप कोई मशीन का यूज करके दिखा रहे हो, आसपास में जो पर्सन हैं वो उसकी वजह से परचेज नहीं कर पा रहे, शॉपिंग नहीं कर पा रहे, तो नहीं रुटीन में, तो उसको भी ध्यान रखते हो कि लाइक कोई पर्सन जैसे उधर डिस्टर्ब ना हो, बीच में कहीं डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया तो वो सब चीज थोड़ा सा नोटिस करते हो। चेक द वेदर ही और शी हैज एवरीथिंग नीडेड टू गिव एन इफेक्टिव डेमोन्स्ट्रेशन, हमेशा प्रभावशाली डेमोन्स्ट्रेशन मिलना चाहिए, ना कि आपको कोई एक्स्ट्रा ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन की लाइक जिसमें कोई चीजें समझी भी ना जाए और बोली भी ना जा सके और वो इंटरेस्ट भी शो ना कर सके। नेक्स्ट वन, गिव डेमोन्स्ट्रेशन दैट क्लियरली शो द यूज एंड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, और हमेशा डेमोन्स्ट्रेशन ऐसा दिखना चाहिए जो क्लियर हो और प्रोडक्ट की वैल्यू को बताए। वैल्यू यहाँ पे प्राइस की बात नहीं हो रही है, उसकी क्या फीचर्स है क्या क्वालिटीज है उसके बारे में डिस्क्राइब करें। ऑफर कस्टमर दैट अपॉर्चुनिटी टू यूज द प्रोडक्ट देमसेल्फ, और कस्टमर को भी आप कहें कि सर मैं आपको हेल्प करता हूँ बताता हूँ, आप इस तरह से चाहें तो इस प्रोडक्ट को यूज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आपको थोड़ा सा हेल्पफुल है कि आप कितना कंफर्टेबल तरीके से यूज कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट, गिव कस्टमर इनफ चांस टू आस्क क्वेश्चन अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस, आपको कस्टमर से कम्युनिकेट करते करते ये भी देखना चाहिए कि कस्टमर की जो आपकी क्वेरीज है उसे आप सॉल्व कर पा रहे हैं, उसके क्वेश्चन पूछने की जो टाइमिंग है आपसे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, वो क्वेश्चन पूछ भी पा रहा है नहीं पूछ पा रहा है, सब चीजों का ध्यान रखना है। एंड चेक दैट द स्टोर विल बी मॉनिटर्ड फॉर सिक्योरिटी सेफ्टी पोटेंशियल सेल्स एंड कैरिंग आउट डेमोन्स्ट्रेशन, और इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए हमें प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए।
सेफ्टी सिक्योरिटी तो आपको हर समय देखना है, आरएसए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पोटेंशियल सेल्स अप करना, तो इन चैप्टर्स में आप लोगों ने इतना समझा है। और इसी के अकॉर्डिंग जो नॉलेज अंडरस्टैंडिंग है, इसमें आपको कस्टमर की हेल्प करना बताया गया है, टाइम ऑफ डे अफेक्ट कस्टमर, कस्टमर के साथ इफेक्टफुल कम्युनिकेशन करना बताया गया है, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देना बताया गया है, प्रोडक्ट की फीचर्स और बेनिफिट्स का इंटरेस्ट जगाना बताया है, कस्टमर्स को कैसे बताना है, कस्टमर को अडॉप्ट करना बताया कि अप्रोप्रिएट स्पीच बॉडी लैंग्वेज एंड सेल्स स्टाइल, जब भी आप प्रोडक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करें प्रॉपर एक्टिव और अटेंटिव होके डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहिए, कंपनी पॉलिसी एंड कस्टमर सर्विसेज के अकॉर्डिंग अप्लाई करना चाहिए, हाउ टू सेटअप सेफ एंड इफेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट के रिस्पॉन्सिबल करना है आप, प्रोडक्ट का यूज करना दिखा रहे तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं, उसको थोड़ा ध्यान रखते हुए चलना चाहिए कि कोई आपसे ही कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए। टेक्निकल नॉलेज, आप कोई भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो उसकी टेक्निकल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, उसके एडवांटेजेस पता होने चाहिए, फायदे क्या है, उसको कैसे यूज नहीं करना है जो आपके लिए हजार से बन सकता है, नुकसानदायक बन सकता है, उसको भी बताते हुए चलना चाहिए। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डेमोन्स्ट्रेशन टू प्रोवाइड स्पेशलिस्ट सपोर्ट टू कस्टमर फैसिलिटिंग परचेजेस, परचेज के टाइम पे उसकी क्या क्या सपोर्ट करना चाहिए, इसके साथ आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चन पुट ऑन करना है तो आप उसे पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो आपका जो रहेगा वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। टू मैक्सिमाइज सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस, तो अभी तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया है उसके रिगार्डिंग कोई भी सिंगल क्वेरीज है आप पुट ऑन कर सकते हैं, मैसेज कर दीजिए, इन्फॉर्मेशन कर दीजिए, सेंड कर दीजिए क्वेरीज। एंड नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करूँ टू मैक्सिमाइज सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन योर नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय।